नमस्कार, जय सियाराम। आप एक चर्चा छेड़ेंगे तो आपकी तीन चर्चाएं छिड़ जाएंगी, ये सत्य है और ये मुझे मालूम भी था, लेकिन मैं आज भी अपनी बात पे अडिग हूं। वो चर्चाएं जो और छिड़ी उस पर भी बात कर रहा हूं और जो चल रही है उस पर भी बात कर रहा हूं। मैंने पूजा पद्धति की बात की थी कि जागरण के अंदर हमें नियमावली से काम करना चाहिए। कुछ नियम है, कुछ थीम है जिसके चलते हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे जागरण में गाने कौन आ रहा है, किस अवस्था से आ रहा है और किस अवस्था में जाएगा। क्या वो वैष्णव है जो वैष्णो देवी का भजन कर रहा है, उसको हिंदू मुस्लिम पर जोड़ दिया गया, क्या ये सही है? अपने आप को छुपाने के लिए बहुत अच्छी चीज है ये कि जैसे ही कोई छेड़े तो उसको हिंदू मुस्लिम पर ले आओ, लेकिन समझदार लोग, सूझवान लोग, सनातनी लोग समझ रहे हैं इस बात को, सपोर्ट में आ रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और जो नहीं आ रहे वो आज नहीं, अगली पीढ़ी नहीं, उससे अगली पीढ़ी, एक दिन तो आपकी भी आने वाली पीढ़ियों को समझ आ जाएगी। चलो हमें नहीं आती शायद, अगर मुझे किसी चीज को समझ नहीं आ रहा तो मेरी अगली पीढ़ी को समझ आ जाएगी, लेकिन एक दिन तो आएगी, क्योंकि जो बात सत्य है, जो भूतकाल में होता आया है वो आने वाले समय में भी होता है। दूसरी बात हमारे साजी भाइयों की, म्यूजिशियंस की, मैं देख रहा था एक वीडियो, वो भी मेरे पास आई, उनको उन्होंने क्लिप दिल्ली की, पंजाब की नहीं है शायद, वो दिल्ली की है, और उसमें मैं कह रहा हूँ कि पीछे जो ऑडियंस खड़ी है आप बैठ जाइए, नहीं तो अगले जन्म में आपको भी साज वाला बनना पड़ेगा और पीटते रहना। पहली बात तो म्यूजिशियंस जितने हैं मैं सबको प्रणाम करता हूँ, और हमारा परिवार है, अगर आपको किसी चीज़ का बुरा लगा है तो आपसे माफ़ी मांगते हुए मुझे 1% भी तकलीफ नहीं है और ना होगी, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, ढोल गवार शुद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल को बोलने से नहीं बसता, उसको पीटना पड़ता है। तो हमने जो सुना, जो संतों से सुना, वही शब्दों को हम कीर्तन में यूज करते हैं, और वहां भीड़ बहुत ज्यादा थी, मैंने 20 बार पब्लिक को बोला कि बैठ जाइए, नहीं बैठे, तो ढोल के पीछे थे, तो ढोल वाला अक्सर बोलता है कि डगा लग जाएगा किसी के, तो किसी के चोट लग जाए तो वो पिटता रहता, क्या फायदा, इसलिए ये बातें बोली गई। फिर भी अगर आपको बुरी लगी है तो मैं अपने म्यूजिशियंस से, क्योंकि साज या तो भगवान के पास हुआ है या फिर साजियों के पास हुआ है, मैं उनसे क्षमा मांगने में मुझे कोई तकलीफ नहीं, मेरे छोटे बड़े भाई हैं। और तीसरी चीज जो यहां बात हो रही है कोई रिकॉर्डिंग वायरल होने की, तो सबकी अपनी अपनी मानसिकता है साहब, किसी भी तरीके की TRP लेने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। हम अपनी बात कर जाते हैं, हम जाकर नहीं किसी को तंग करते हैं, हम पहले ही कुछ बोले और बाद में कुछ बोले ऐसा काम नहीं करते। और बात रही मैं क्या सेवा करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, इससे मुझे किसी से कोई वार्ता नहीं करनी, मेरी भक्ति मेरे घर से शुरू होती है और वहीं पर ख़त्म हो जाती है। और फैक्ट है ये, ज़्यादा पैसे इसीलिए लिए जाते हैं कि कार्यक्रम कम किए जाएं, क्योंकि हम लोग इतना कार्यक्रम नहीं कर सकते, लोगों की इच्छा है फिर भी जाएं तो जाना पड़ता है। और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो मंडल जिनके पास मैं सेवा करके आता हूँ, और ऑलरेडी पंजाब में भी काफ़ी मंडलों के साथ हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर उस काम को किया है, ठीक है वो मंडल आगे नहीं आता बोलने के लिए, मुझे उससे कोई गिला नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सोचना चाहिए, साथ देना चाहिए। तो मैं पुनः आप सबसे निवेदन करता हूं कि मैंने कोई हिंदू मुस्लिम नहीं किया है, जो लोग ये कर रहे हैं उनको समझना चाहिए, उस चीज को समझें। आस्था अगर आपकी है तो आस्था हमारी भी है, अगर आप भोलेनाथ को इतना मानते हो तो भोलेनाथ को भोलेनाथ रहने दो। माता चिंतपूर्णी के दरबार के वो पुजारी जो कहते हैं गद्दी पे बैठ के कि मेरा बापूलाल बादशाह जी हैं, तो वो पुजारी जी को भी सामने आकर स्टेटमेंट देनी चाहिए क्या ये सत्य है, क्योंकि जो व्यक्ति वैष्णो चिंतपूर्णी जा रहा है वहीं के पुजारी अगर उसको वहीं के पुजारी कहीं और दरबार को मानते हैं तो हम उस दरबार में जाना चाहिए, फिर हम क्यों चिंतपूर्णी जाते हैं, तो वो पुजारी जी को भी आगे आना चाहिए और इस बात का खंडन होना चाहिए। कब तक पहले बोलते रहो फिर माफिया मांगते रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए धर्म के लिए। व्यक्तिगत कोई बात है माफी मांगने में कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन जब एक धर्म, एक समाज, एक पंथ के बारे में बात हो रही हो तो
तो उसकी क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। मैंने ईसाई धर्म को मेरी किसी बात से ऐसा लगा कि मैंने कहीं ना कहीं उनका मजाक, उनको लगा कि मैंने मजाक बनाया, तो मैंने क्लैरिफिकेशन की वीडियो उसी समय डाली, उसकी क्लैरिटी हो कोई भी चीज हो, क्योंकि धर्म सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। मैंने पूजा पद्धति से शुरू किया था, लेकिन कहते हैं ना एक उंगली आगे करेंगे तो तीन आपकी तरफ है, तो आएंगी, लेकिन हम अडिग हैं। हम फिर से यही कह रहे हैं कि पूजा पद्धति की बात हो रही है, कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही, तो इसको आज समझें। जितनी मर्जी मेरे पीछे आप लगा दीजिए लोगों को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं भजनों से जी रहा हूं, भजनों को गा नहीं रहा हूं, भजनों को अपने जीवन में उतार रहा हूं, और ये मेरा कर्म नहीं है भजन गाना। मुझे ठाकुर जी ने सेवा दी हुई है तो मैं गा रहा हूं, मेरा कर्म सिर्फ और सिर्फ सुबह उठना और भगवान के लिए चल पड़ना है। जब तक वो चला रहा है तब तक चलते रहेंगे। इसीलिए पुनः इस वीडियो को जितने भी मीडिया वाले हैं, जो स्टेटमेंट बार बार फोन आ रहे हैं काफी मीडिया के, इसी में से आप लेकर अपने जवाब को काट छाट के जैसे भी आप लोग बनाते हैं वैसे डाल सकते हैं। और सत्य सदैव सूर्य समान होता है, सूर्य को कभी भी ढका नहीं जा सकता, रोज सुबह निकलता है नई किरण के साथ। मैं पुनः कह रहा हूं कि मैंने कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की, मैंने पूजा पत्ती की बात की, अपनों से अपनों की बात की है, दूसरे को तो उसमें आने ही नहीं चाहिए, बाकी ठाकुर जी की मर्जी। जैसे आप लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।